हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए संभावित पेपर नंबर 7 हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको हमारी प्रत्येक क्लास का पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से मिल जाएगा। आप पीडीएफ साथियों डाउनलोड कर पाएंगे। जी हाँ, डाउनलोड करने की सुविधा हमने दी है। अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, हर क्लास का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो कि बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से एक नहीं है। तो आपको याद रखना है साथियों, बोधगया जो है ये बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है, सारनाथ भी बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है, साथ ही साथ कुशीनगर भी बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है, लेकिन ग्वालियर जो है बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल नहीं है। तो विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, कुछ जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बौद्ध और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? लुम्बिनी नामक स्थान पर, 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि फॉसिल पार्क मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में मौजूद है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा फॉसिल पार्क जो है साथियों ये मौजूद है आपका कहाँ पर भाई? दिए गए विकल्पों के अनुसार भाई मंडला, ठीक है। और ज़्यादातर इसका भाग कहाँ पर है भाई? डिंडोरी में। कहाँ पर है? डिंडोरी में। कुछ हिस्सा इसका मंडला में भी पड़ता है, ये बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, कब औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। इसका सही जवाब भाई 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उसके बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आ गए थे। प्रश्न है कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस उद्यान का नाम है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है साथियों इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 5 आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की राजधानी को किस शहर से भाई दिल्ली ले जाया गया। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि भारत की राजधानी को साथियों दिल्ली से ले जाया गया था कलकत्ता। कहाँ साथियों? दिल्ली से कलकत्ता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो आप याद रखिएगा बैतूल जिले से साथियों ताप्ती नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? ताप्ती नदी का। प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखें कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव साथियों राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। एक विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न बनता है कि डायनासोर के अश्मीभूत अंडे कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? भोपाल जिले में या धार जिले में, इंदौर जिले में या फिर रतलाम जिले में। तो आप याद रखें कि डायनासोर के अश्मीभूत अंडे जो हैं ये धार जिले में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। कोई भी विधेयक साथियों धन विधेयक है या फिर नहीं है ये घोषित करने का जो निर्णय है या फिर धन विधेयक घोषित करने घोषणा जो है की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न है कि मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप याद रखिएगा मांडू संबंधित तबे रानी रूपमती से, ठीक है भाई। और मांडू कौन से ज़िले में है साथियों? तो आप याद रखिएगा ये धार ज़िले में है, ठीक है। और मांडू को और क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा मांडू को साथियों सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय। रानी रूपमती क्या साथियों? रानी रूपमती और बाज बहादुर की अमर प्रेम कहानी का साक्षी है साथियों मांडू, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है। तो आप याद रखें एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की जो समय अवधि रहती है यह 29 दिन से थोड़ी अधिक रहती है। कितने दिन से भाई? 29 दिन से थोड़ी अधिक रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12 आपकी स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में देश के पहले रेडियो आज़ाद हिंद का शुभारंभ भाई किस तिथि को किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है,
तो रेडियो आज़ाद हिंद का जो शुभारंभ है ये 25 मार्च 2012 को किया था। कब भाई? 25 मार्च 2012। अगला प्रश्न कि इनमें से किस झील का निर्माण दक्कन के वेसाल्टिक चट्टानों पर बड़े उल्का पिंडों के गिरने से हुआ है? तो आप याद रखिएगा, ये झील है साथियों लोनार झील, ठीक है, जिसका निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों पर बड़े बड़े उल्का पिंडों के गिरने से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लोनार झील कहाँ पर है? आप याद रखिएगा, लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुलडाड़ा ज़िले में मौजूद है, और लोनार झील जो है एक खारे पानी की झील है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पॉलीथीन के वितरण और प्रयोग पर प्रतिबंध कब लगाया? तो याद रखिएगा, जनवरी 2004 में साथियों प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, हालांकि बड़े धड़ल्ले से खुलेआम अभी भी पॉलीथीन चल रही है। प्रश्न है कि तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली होती है? अभी तिल्लाना, तो आप याद रखिएगा, तिल्लाना साथियों भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुतिकरण की शैली होती है। ठीक है भाई, आपको ये याद रखना है कि भरतनाट्यम का जो अंतिम अंश होता है ये तिल्लाना कहलाता है। इस अंश में नारी सौंदर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है और यह अत्यंत ही आकर्षक होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला प्रश्न है कि भारत में भौतिक विज्ञान के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो आपको याद रखना है कि भौतिक विज्ञान के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया डॉक्टर सी वी रमन ने। किन्होंने भी? डॉक्टर सी वी रमन ने, और इन्हें ये पुरस्कार 1930 में साथियों मिला था। इन्होंने रमन प्रभाव की जो खोज की थी, रमन प्रभाव खोज साथियों की थी इन्होंने 1928 में, और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा भाई अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा, यह है साथियों विकल्प सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बन जाता है कि इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन भाई कौन सा था? तो आप याद रखिएगा, गगनयान, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 20 कि पीटर स्क्वेयर कहाँ पर मौजूद है? साथियों पीटर स्क्वेयर, इनमें से कौन सा स्थान सही है? तो आप याद रखिएगा, पीटर स्क्वेयर जो है ये वेटिकन सिटी में है प्यारे साथियों। कहाँ पर? वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी जो है यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है भाई, विकल्प डी इसका सही जवाब है। और ये विश्व का सबसे छोटा देश भी है साथियों, वेटिकन सिटी। ठीक है, आगे बढ़ जाते, देखिएगा अगला प्रश्न क्रमांक 21 है कि सीब ट्यूब और सह कोशिकाएँ मुख्य रूप से किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो आप याद रखिएगा, ये पौधों में भोजन के लिए साथियों सीब ट्यूब और सह कोशिकाएँ उत्तरदायी होती है। कौन साथियों? सीब ट्यूब और सह कोशिकाएँ किसके लिए? पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। प्रश्न क्रमांक 22 देखिएगा कि इन अंगों में से कौन सा अवशोषी अंग नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, अवशेषी अंग नहीं है साथियों मस्तिष्क। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न बन जाता है कि टेप वर्म फाइलम किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा कि टेप वर्म फाइलम जो है ये प्लेट हेलमिंथीज से संबंधित है। किससे भाई? प्लेट हेलमिंथीज से। नेक्स्ट प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो आप याद रखिएगा, काई जो होता है ना साथियों, ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है, काई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न क्रमांक 25 है आपकी स्क्रीन पर कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ पर होता है? भाई तो ग्लूकोज का पाइरूवेट में जो विघटन होता है ना, ये कोशिका द्रव्य में होता है, इतना आप याद रखिएगा। आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि साथियों कवक तथा शैवालों का संबंध भी कैसा साथियों? सहजीवी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में अमोनिया को यूरिया में कौन बदल देता है? तो आप याद रखें, मानव में अमोनिया को यूरिया में, जी हाँ, अमोनिया को यूरिया में लीवर के द्वारा बदला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है
कि पौधों के बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? याद रखें इसे साथियों अंकुरण के रूप में जाना जाता है। किस रूप में भाई? अंकुरण के रूप में। अगला प्रश्न देखिएगा कि पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं? भाई पौधे जिसमें आनुवंशिकी रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होते हैं, तो इसका सही जवाब साथियों वर्धी जनन, ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि खाने का नमक किस से बना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे स्टार लगाइएगा। तो आप याद रखिएगा खाने का नमक जो होता है यह एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। भाई किससे? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर बना होता है खाने का नमक। प्रश्न है कि निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? याद रखें निष्क्रिय लिटमस विलयन का जो रंग है ये बैंगनी होता है। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा डोवे राइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है? तो इसका सही जवाब साथियों पोटेशियम, मुख्य विकल्प ए इसका सही जवाब है।